आयशा महमूद है और मैं 32 साल की थैलेसीमिया मेजर हूँ। थैलेसीमिया मेजर का मतलब कि आपके बच्चों की तरह मुझे भी हर महीने खून लगता है। मैं हर महीने 2 बोतलें खून लगवाने जाती हूँ अस्पताल। और ये जो हमने अपनी तंजीम शुरू की फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया, हमारे 2 भाई जो हैं वो इस बीमारी में जा चुके हैं और हमें एहसास है कि इस बीमारी में क्या होता है, हम किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से अपने आप को लेके चल सकते हैं। जब आज से पिछले कुछ सालों पहले चले जाओ तो थैलेसीमिया हमें पता नहीं था थैलेसीमिया होता क्या है, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो इनकी उम्र कहा जाता था 8 साल 10 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मैं 32 साल की खड़ी हुई हूँ। मेरे और बहुत सारे साथी हैं जो 45 साल 50 साल के लिए डॉक्टर बन चुके हैं, वकील बन चुके हैं, शादियाँ हो चुकी हैं और उनके अपने बच्चे भी हैं जो नॉर्मल है। हमारी तंजीम बनाने का मकसद ये था कि हम थैलेसीमिया की आगाही तो दें कि थैलेसीमिया क्या होता है, कैसे होता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हुए हैं, जिन्हें नहीं पता कि हेमोग्लोबिन कहाँ रखनी है, HB क्या होती है, फेरेटिन क्या होता है, हम 10 साल 15 साल मतलब हम क्यों चले जाएंगे, मौत का सबब क्या बनेगा, ये सारी चीज़ों के लिए हमने इस तंजीम को खड़ा किया। इस तंजीम में हमारे पास बहुत सारी पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स और पेरेंट्स, मरीज़ और उनके वालदैन को हमने रखा कि ताकि वो आएँ, बात करें, अपने मसाइल बताएं और हम उनको हल करने की कोशिश करें। जब तंजीम खड़ी की तो फिर इसमें डोनर्स वगैरह जुड़ते गए और डोनर्स जुड़ते गए, जिस तरह आदिल भाई ने बताया कि अब मैं कराची होती हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर लेती हूँ और मुख्तलिफ सेंटर्स भी चले जाती हूँ। हम बहावलपुर दो बार हम बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल भी आए। मुलाकात करने का मकसद होता है कि आप लोग हमसे कनेक्ट हो, मिलते रहें तो मुझे पता चलेगा कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग मुझसे मिलेंगे तो हम एकजुट होके आवाज़ बन के आला जो हमारे हुकाम हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हम क्यों इग्नोर हुए हैं। ये जब से आपके पास RBC आया, इससे पहले आपको पता है कि क्या हालात रहे बहावलपुर विक्टोरिया के, वहाँ खून कैसे मिला है और किस तरह से मिला है, आप लोग सब जानते हैं। आप लोग इस मुश्किल दौर से गुजरे, अब जो RBC वहाँ आ चुका है वो एक आप लोग के लिए नेमत है, क्योंकि एक साफ चपाक खून मिलना थैलेसीमिया मेजर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम एक थैलेसीमिया से तो लड़ रहे हैं लेकिन मुसलसल खून लगने से हमें और बीमारियाँ हो सकती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए RBC में जो है वो मशीनें हैं और वो बहुत स्टैंडर्ड की मशीन है, जिससे वो खून साफ होके आपके बच्चों को मिलता है और वो बड़ी बात है कि फ्री मिलता है। अगर हम अपने कराची की बात करें तो 90 से लेकर 95 ऐसे सेंटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो फ्री देते हैं। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो मैं खुद अपने लिए 21-22 हज़ार रुपये देकर खून खरीदती हूँ। इसे खरीदना ही बोला जाएगा कि मैं खरीद के लगाती हूँ, क्योंकि वो हर बीमारी से पाक होता है, वरना मैं कहीं और नहीं लगा सकती। मैं 32 साल नहीं जी पाऊँगी, मैं हेपेटाइटिस की शिकार हो जाऊँगी, मैं एड्स की शिकार हो जाऊँगी। इन सारी चीज़ों से भी हमें बच के रहना है अगर हम ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं। अब आते हैं आगाही की तरफ, थैलेसीमिया क्या है, पता है आप लोगों को थैलेसीमिया क्या है? थैलेसीमिया बीमारी में क्या होता है? अच्छा, इसके लिए हमें ब्लड लगाना पड़ता है, सही है। अब इसके अंदर चीज़ आती है HB, हेमोग्लोबिन। आप लोगों को पता है आप लोगों का HB क्या है? हर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है। और इसको कितने में रखना चाहिए? 9 से 10। इसको 9 पे 10 पे रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फेरेटिन क्या है? आयरन होता है, ज़्यादा हो जाता है ब्लड में। जब हम मुसलसल ब्लड लगा रहे हैं तो हमारे जिस्म में इजाफी फौलाद जमा हो रहा है, हमें इजाफी फौलाद नहीं चाहिए, हम उसको कैसे निकालेंगे?
किस किस को पता है, किस किस को दवाइयों के नाम पता है? सबको नहीं पता. नहीं सबको नहीं पता. क्यों सबको नहीं पता? जब अगर हम ये फौलाद नहीं निकालेंगे, हमारा दिल बैठ जाएगा, हमारे जिगर के अंदर चला जाएगा फौलाद, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी. अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो जो डॉक्टर कहता है कि 15 साल या 18 साल में इनकी अमवात हो जाती है, वो तो सच हो जाएगा. और हमने उन्हें झूठ साबित कर दिया. हमने उन्हें बता रहे हैं कि ऐसा नहीं होता. वो कैसे करेंगे हम कि जब हम अपना एज भी 10 पे मेंटेन करेंगे, 10 पे ना कर सके तो 9 पे करेंगे. और फेरेटिन को हम 1000 के अंदर लाएंगे. यहाँ पे हमें पता है बहुत सारी जगहों पे कि बच्चों के फेरेटिन 5000 से लेके 10000 तक भी चले जाते हैं. लेकिन आपने इस पर मेहनत करनी है. दवाइयाँ जो आपको सेंटर से मिलती है वो सेंटर से, अगर आपको नहीं मिलती तो आप आगे बैठे साथ रखते में आएंगे और मेरे साथ रखते में आएंगे. हम आपकी जितनी हो सकेगी कोशिश करेंगे, लेकिन पहली कोशिश आप लोगों ने करनी है. अगर आप जीना चाहते हैं, जिंदगी से मोहब्बत है, जिंदगी से प्यार है, तो इस तरफ आना पड़ेगा. जो माँ बाप अक्सर ये समझते हैं कि हमारे बच्चों की उम्र इतनी नहीं होगी, लेकिन नहीं, मैं उन्हें बताऊं कि इन बच्चों की उम्र है 40 साल, 45 साल, 50 साल. आप इनसे पढ़ाई भी करवाएं, आप इनसे मेहनत भी करवाएं, ये बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं. लेकिन सिर्फ दो काम करने हैं, एच बी मेंटेन करनी है और फेरेटिन मेंटेन करना है. ये बच्चे सब कुछ कर सकते हैं. आज हमारे पास बहुत सारे थैलेसीमिया मेटर हैं, जो वकील हैं, जो डॉक्टर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, शादियाँ हो चुकी हैं, बच्चे होंगे, तो ये बच्चे क्यों नहीं? और एक और बात कि जब आप यहाँ से कुछ सुन के जाएँ, जो सीख के जाएँ, या आप कहीं से भी सीखें थैलेसीमिया के बारे में, उसे अपने तक ना रखें, उसे और लोगों में फैलाएं. जब आप जाते हैं ब्लड लगाने तो आप 4 और लोगों से मिलते हैं, आप 4 और लोगों को ये आगाही आगे फैलाएं, ताकि उनके बच्चे भी अच्छे से ज़िंदगी गुजारें. 10 साल से नीचे बच्चों का बहुत दर्द होता है, बहुत महंगा इलाज है. लेकिन अक्सर जगहों पर हुकूमत हेल्प करती है, बेहतर माल हेल्प करती है, तो उनका इलाज होता है. और जो कॉपरेशन मैं आपसे चाहूँगी कि अपने बच्चों की तो ख्याल रखें, साथ में अपने ख़ानदान में थैलेसीमिया को फैलने देंगे. इस टाइम पे हमारे पास 1% भी ब्लड डोनर नहीं. हमारे बच्चे अगर इस टाइम पे 1,00,000 हैं पाकिस्तान में पूरे, दुनिया में 2,00,000 बोतलें चाहिए और 2,00,000 बोतलें नहीं होती, नहीं हो पाती, जबकि हमारी आबादी इतनी बड़ी है. आप अगर उस शरीफ की बात करें, अगर 50 बच्चे हैं, इसका मतलब है आपको 100 बोतलें हर महीने चाहिए. आज मैंने आपको बताया कि जब कैंप लगाया तो 6 बोतलें नहीं हुई. कैसे चलेगा ये मामला? आप लोगों ने कॉपरेट करना है. आप लोग भी अगर जो सेहतमंद हैं, 18 साल से ऊपर हैं, 50 किलो के ऊपर हैं, वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं. इसमें कुछ नहीं होता. अल्लाह ने कहा ब्लड डोनेट करने से कोई कमज़ोरी, कोई मसला नहीं होता, बल्कि सेहत ही बनती है. इसकी आगाही भी फैलाएं. आपने अपने खानदान में थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाएं, मज़ीद थैलेसीमिया ना बढ़ाएं. आपके पास आपके पंजाब के अंदर पंजाब प्रिवेंशन वाले मुफ्त टेस्ट करते हैं, उनको बुला लें, उनको पूरी खानदान को टेस्ट करवाएं. लेकिन प्लीज़ थैलेसीमिया को हम जितना रोक सकें उतना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मुल्क में वसाइल की कमी है. हमारे यहाँ लोग ब्लड डोनेट करते हुए रहते हैं तो हमारे बच्चे सर्वाइव कैसे करेंगे? हमने लोगों को बताना है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ भी नहीं होगा. अब मैं चाहूँगी कि आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो, आप लोगों के पास थैलेसीमिया रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मुझसे कर सकते हैं.